वृंदा ने किया अपना पहला शिकार। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड आपको बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। शो की शुरुआत होती है जहां पर वृंदा बारिश में भीग रही होती है और उस बारिश में वो देव को भी बुला रही होती है ताकि देव के ऊपर लगी हुई अभिमंत्रित भभूति मिट जाए। देव के बारिश में आते ही देव की सारी भभूतियाँ धुल जाती हैं और वृंदा देव एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। अब वृंदा देव को अपना शिकार बनाने ही वाली होती है, उसे मारने ही वाली होती, तभी वहाँ पर आ जाते हैं पुरोहित जी। अब उन्हें देखकर वृंदा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि पुरोहित जी इस समय यहाँ पर, वो देव को मारने का प्लान कैंसिल कर देती है और तुरंत ही पुरोहित बाबा के पास जाती है और पूछती है आपका ये हाल कैसे हुआ, आखिर आपको इतनी चोटें लगी कैसे। वो वृंदा को बताते हैं कि पारिक परिवार आया था मंदिर में और उसने हमारे ऊपर हमला किया और मान्यता को वहाँ से उठा ले गया। अब ये बात सुनते ही वृंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पुरोहित बाबा कहते हैं कि तुम्हें अभी देव को नहीं मारना है, तुम्हें उसके पास रह के पता करना होगा आखिर मान्यता को उन लोगों ने कहाँ छुपाया है। वहीं नैन तारा भागते हुए देव के पास आ रही होती है ताकि वो देख सके देव क्या कर रहा है। अब जैसे ही वो आती है पारिक हाउस में, उसे पता चलता है देव ने तो शादी कर ली है और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वृंदा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। वो कहती है विशाखा ने सही कहा था, मुझे उससे लड़ना होगा, उससे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तभी मैं उसका सामना कर सकती हूँ। वृंदा ने जो भी कुछ मेरे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया मेरे साथ। अब जैसे ही वो वहाँ से जाती है तभी देव को पता चलता है कि यहाँ पर नैन तारा आई थी और देव नैन तारा का पीछा करता है ताकि वो नैन तारा से जान सके शादी के मंडप को छोड़कर वो क्यों भाग गई थी। अब देव को अपने पीछे आते देख नैन तारा भागती है और भागते भागते वो मंदिर चली जाती है। मंदिर में जैसे ही जाती है विशाखा रूप बदल लेती है और नैन तारा के जैसे कपड़े पहन लेती है। अब जैसे ही देव उसको अपनी तरफ खींचता है वो देखता है ये तो कोई और है। विशाखा कहती है मुझे तो नहीं पता था कि इस मंदिर का पता किसी और को भी है, मैं तो यहाँ पूजा करने आई थी। अब देव कहता है अच्छा मैं तो आपको कोई और समझ के आपको परेशान किया, सॉरी। अब इधर विशाखा सोचती है जल्दी से ये देव यहाँ से जाए ताकि वो नागमणि को, इधर वृंदा को पता चलता है देव तो घर पर है ही नहीं, वो चला गया है जंगल की ओर। अब ये जानकर वृंदा सोचती है कि जरूर देव इन सब साजिशों में मिला हुआ है और उसने साजिश के तहत ही वृंदा से शादी की है। देव ऐसा होगा ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अब इधर जैसे देव जाता है उस मंदिर से, नैन तारा को विशाखा बुलाती और कहती है कि जाओ जल्दी से उस पत्थर को उठा लो, क्योंकि अब जैसे ही तुम उस पत्थर को उठाओगी तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, तुम वृंदा का मुकाबला कर पाओगी। अब ये सोच के नैन तारा जैसे ही उस पत्थर यानी नागमणि के पास जाती है वहाँ पर भूचाल आ जाता है, सारी चीज़ें गिरने लगती हैं, पत्थर गिरने लगते हैं। अब ये देखकर नैन तारा थोड़ी सी घबराती है, लेकिन विशाखा कहती है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जाओ और उस पत्थर को उठाओ। अब इधर देव सोच रहा होता है कि वो लड़की अकेले है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और उसे बचाने के लिए वो दौड़ता हुआ आता है। अब जैसे ही वो नैन तारा को ढकेलता है उसका हाथ नागमणि पे पड़ जाता है और नागमणि देव के अंदर समाहित हो जाती है। देव नैन तारा और विशाखा तीनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इधर वृंदा आती है और देव को उस कंडीशन में देखती है तो वो वहाँ मंदिर से उठाकर घर ले आती है ताकि वो पता कर सके उसकी माँ कहाँ पर है। इधर वृषाली मान्यता को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है ताकि उससे पता कर सके लाल टेपरी मंदिर का सच और साथ ही नागमणि के बारे में भी पता कर सके, लेकिन मान्यता उसे कुछ भी नहीं बताती है। इधर विशाखा को होश आता और वो नैन तारा को भी होश में लाती और नैन तारा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, कहती है तुम्हारी वजह से मेरे जो 50 पूर्णिमा का इंतज़ार था वो व्यर्थ चला गया, अब तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। अब ये सुनते ही नैन तारा कहती है तो क्या तुमने अपने मतलब के लिए मेरे साथ हाथ मिलाया था, जिस पर विशाखा कहती है हाँ,
और क्या, मैं तुम जैसी मामूली लड़की की हेल्प क्यों करूंगी, मुझे सिर्फ तुमसे नागमढ़ी उठवाना था क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ और एक नागिन के अलावा सिर्फ तुम ही हो जो उस नागमढ़ी को उठा सकती थी, लेकिन अब तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। और वो उसे दीवार में फेंक देती है। वहीं सीरियल में आगे दिखाया गया जहाँ पर वृंदा का नागिन रूप माधव देख लेता है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत जाता है ताकि ईरावती को बता सके कि वृंदा एक नागिन है, लेकिन तभी वहाँ पर वृंदा आ जाती है और वो माधव को पकड़ लेती है। माधव को लेकर वो जंगल में जाती है और कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, तुम सब के सब हत्यारे हो, तुमने मेरे पिता, मेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया, तुम सब भी चुन चुन के मरोगे। अब ये सुनते ही माधव कहता है देखो तुम्हारा पालन पोषण हमारे परिवार में हुआ, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, बेटा हमें माफ़ कर दो। लेकिन वृंदा माधव की एक नहीं सुनती है। दूसरी तरफ रुशाली घर आ रही होती है और उसके पीछे पीछे विशाखा भी आ जाती है और कहती है कि मैं अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई हूं, मेरा इस प्लानिंग प्यून से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने इसके घर का पता आखिर कर ही लिया। वहीं देव जंगल में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर ब्लड लगा हुआ है। वो सोचता आखिर यहां पर अभी हुआ क्या था, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जब मंदिर में गया उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं घर तक कैसे आया, ये सब कुछ मुझे पता करना ही होगा। वहीं माधव वृंदा के चंगुल से भाग जाता और भागते भागते वो पहुंच जाता है वृंदा की माँ के घर और वो उन पर हमला कर देता है। अब कल देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है किस तरीके से वृंदा अपनी माँ को उस माधव के चंगुल से बचाती है और क्या होगा नैनतारा का, क्या विशाखा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो सीरियल्स की ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।